نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। ये बहुत सारे बुजुर्गों को एक शिकायत हो जाती है, फिंगरप्रिंट नहीं आता उनको। जब पेंशन लेने जाते हैं ना तो पहले तो साइन कर लेते थे लड़कते झड़कते, तो अभी तो साइन नहीं है, अभी तो बायोमेट्रिक देना पड़ता है कि बाबा जी असली हो भी कि नहीं नकली हो। ठीक है, तो बायोमेट्रिक में आजकल, अब ये जब से बायोमेट्रिक हुआ है उस वक्त से एक प्रॉब्लम आ रही है बड़ों को, बुजुर्गों को, खसूसन 56 साल की उम्र के बाद वालों को, कि बायोमेट्रिक आ ही नहीं रहा। हाँ जी जनाब वाली मशीन में बायोमेट्रिक मशीन में जब अंगूठा लगाया, अपना थंब लगाया, तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, ये बेगम के बेलन मारने से साफ नहीं होता, ये खुद ब खुद गायब हो जाता है। जब बंदे की आसाबी तहरीक बढ़ जाए, कहते हैं ना बूढ़ा आदमी और बच्चा एक बराबर होते हैं ना, जब उसकी आसाबी तहरीक बढ़ जाए तो ये फिंगरप्रिंट ना फैल के सीधे सपाट होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल आता ही नहीं कुछ। तो अब बड़े बुजुर्ग बड़े परेशान होते हैं कि भाई जनाब अली फिंगरप्रिंट नहीं बन रहा, अब क्या होगा। तो जनाब अली अब ये होगा, कब ये होगा, वो लंबी चौड़ी कहानियां शुरू। भाई 2% का काम नहीं है, 3% का मसला नहीं है, और खाए मखा में दुनिया परेशान है। और इसी तरीके से असूली तौर पर जो अमीर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, अमीर उनको होता है, क्योंकि वह रात को दूध पीते हैं। अब दूध पीने से क्या होता है कि बड़ी उम्र में आसाबी तहरीक बढ़नी शुरू हो जाती है, बड़े नरम नाजुक मुलायम से हो जाते हैं, रेशम जैसा हाथ हो जाता है, उसको कहते हैं शफीक बुजुर्ग। तो वो तो ठीक है सारी बातें, लेकिन शफीक बुजुर्ग जो है ना, शफकत फरमाने वाले, खुद एक नई परेशानी में आ जाते हैं कि जनाब अली वो गए थे वहां, उन्होंने कहा बायोमेट्रिक लगाओ, तो बायोमेट्रिक आ नहीं रहा तो पेंशन नहीं मिलेगी। लो जी कर लो बात, बिल कौन भरेगा, इतने इतने महंगे पहाड़ जैसे बिल ये भरेगा कौन भाई साहब, अगर बायोमेट्रिक के वे आपको पेंशन नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत में भाई साहब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक का आपका 1.5 मिनट में बन जाता है। खर्चा कितना, कुछ भी नहीं, सिफर अटा सन्नाटा, नो चार्जेस, फ्री। फ्री में दे क्यों रहे बाबा जी, इसलिए कि बुजुर्गों की दुआएं लेनी है। बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे, सही है। एक दूसरी बात ये कि जवानों में ये चीज नहीं होती, लेकिन मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा जवान भी ऐसे फेस किए जिनका बायोमेट्रिक नहीं था, प्रिंट नहीं था, तो उनका भी इलाज किया और अल्लाह ने उसमें भी शिफा दी। इलाज क्या है भाई, इलाज बहुत आसान है, 1 रुपए का इलाज नहीं है। आपके घर में फिटकरी तो होगी होगी, होती है सफेद वाली फिटकरी, शब्बे यमानी अबियस भी कहते हैं, व्हाइट एलम भी कहते हैं। एक शब्बे यमानी अहमर होती है, रेड एलम, वो लाल फिटकरी होती है। मैं बात कर रहा हूं व्हाइट एलम की, शब्बे यमानी अबियस, सफेद फिटकरी। तो ये जो फिटकरी है सफेद वाली, ये एक छोटी सी चुटकी चाय का क्वार्टर चम्मच एक गिलास नीम गर्म पानी में हल कर लीजिए, और जब ये पानी ठंडा हो जाए, हल तो गर्म पानी में करना है, जब ये ठंडा हो जाए अपना हाथ डबो दीजिए, हाथ पूरा नहीं डबोने को दिल चाह रहा तो सिर्फ अंगूठा दबो लीजिए 5 मिनट तक, और 5 मिनट बाद निकाल के इसको खुशक कपड़े से पोंछ लें। ठीक है, अगर आप ये काम 10-12 दिन करते हैं तब तो ये पक्के बन गए 5 मिनट के लिए, 10-12 दिन। और अगर आपने 10-12 दिन नहीं करना, तो जिस दिन आपने पेंशन लेने जाना है, जिस दिन आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपने NIC ऑफिस जाना है, या आपने किसी भी ऐसे इदारे में जाना है जहां के आपको बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है, तो जाने से 5 मिनट पहले अंगूठा दे लें। एक चुटकी हल कर ली गर्म पानी में, ठंडा हो गया, 5 मिनट अंगूठा दे लिया, उसके बाद निकालो, सचमुच का फिंगरप्रिंट बना हुआ होगा। हाँ जी, और इतना जबरदस्त आएगा कि अगला भी सल्यूट करेगा, बाबा जी थर्ड आपका तो फिंगरप्रिंट था ही नहीं, यह आया कहां से। दुआएं देगा इंशाल्लाह। तो ये कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीन चीज है। होने की वजह मैंने बताई कि दूध ज्यादा पीने से ना, पुराने जमाने में तो दूध सही होता था, दूध में तो शिफा है, मगर आजकल इसमें ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन मिलाया जाता है, तो किधर शिफा रही उसमें। तो आसाबी तहरीक बहुत बढ़ गई, तो ऐसी सूरत में अगर आप दूध पी रहे हैं तो कोशिश करें कि एक हल्की सी चुटकी काले चने बराबर दालचीनी का पाउडर जबान पे मल के दूध पी लिया करें, ताकि जो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जानवर को, उसके जनाब वाली उसका एंटीडॉट हो जाए, आप दूध से अल्लाह सिर्फ शिफा दे दे, उसके नुकसान से आप बच जाएं, तो ये फिर आइंदा नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। बाकी मसले का हल मैंने बता दिया, 1 रुपए का खर्चा नहीं और आपका फिंगरप्रिंट बन जाएगा, और इंशाल्लाह आपको पेंशन पूरी पक्की मिलेगी। मुझे देना दें उसमें से कुछ हिस्सा, आपकी मर्जी, में मांग नहीं रहा, लेकिन ये आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआएं आप देंगे कि भाई ऐसे भी होता है, वरना पूरी दुनिया में किधर होता है कि जनाब बायो फिंगरप्रिंट मिट गया तो किधर इलाज हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। और जो मैं कह रहा हूं वो कल के देख लें, अभी 5 मिनट में कर लें, 6 मिनट में दुआएं दे लें मेरे को। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।